सिंगल सुनीत ब्लॉग। ओके सो गाइस, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कपिल शर्मा के शो पर। तो मैं जा रहा हूँ एक्चुअली ऑडियंस जो होती है वहाँ पर, तो क्योंकि मुझे इनवाइट आया था और आज एक्चुअली है फर्स्ट डे शूट का। इतने टाइम से वो शो बंद था तो अभी जाकर वो स्टार्ट हुआ है। आपने प्रोमो वगैरह तो देख ही लिया होगा और टीवी पर भी ये बहुत जल्द आने वाला है। तो आज इसका फर्स्ट डे है शूट का, तो मैं भी जा रहा हूँ इसके ऑडियंस में बैठने के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। वैसे तो मैं पहले भी गया हूँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाने का एक अलग ही मज़ा रहता है। तो आज वापस से जा रहा हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस, और वो सेट कैसा है वो भी बाहर से दिखाता हूँ, क्योंकि शायद फ़ोन तो अंदर अलाउड नहीं होंगे तो मैं शायद अंदर शूट नहीं कर पाऊँगा। कपिल शर्मा का शो है, वो भी है फिल्म सिटी में, तो वहाँ पर ही जाना है हमें। So guys, keep watching the full video and let's move on to the vlog. सो गाइज, हम लोग फिल्म सिटी तो पहुंच चुके हैं। यही मेन गेट है फिल्म सिटी का, यहीं से हमें अंदर जाना है अभी। सो गाइज, हम लोग फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये जो फेमस जो बॉलीवुड मूवीज़ में कोर्ट रूम दिखाया जाता है, ये वो वाला कोर्ट रूम है जो बहुत सारे मूवीज़ में और इसके अंदर है ना, जो कोर्ट के अंदर का जो सीन होता है ना वो भी बनाया गया है। और इसके मतलब पीछे की तरफ ये है कपिल शर्मा का सेट, तो अभी मैं वहीं पर जा रहे हैं हम लोग। ये कुछ नज़ारा है कपिल शर्मा शो के, पीछे का बैक साइड का एरिया है, यहाँ पर इसके अंदर ही बना हुआ है कपिल शर्मा शो का सेट। सो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। आवाज़ देख सकते हो अंदर से आ ही रही है, और ये जो सारे प्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं कपिल शर्मा शो के लिए वो सभी यहाँ पर पड़े हुए आप देख सकते हो। सो गाइस, मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर ही है कपिल शर्मा शो का सेट, लेकिन अभी एंट्री को थोड़ा टाइम है तो अभी थोड़ी देर में जाना है हमें। 2 बजे का कॉल टाइम था मेरा, लेकिन अभी थोड़ा लेट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आजू बाजू में जो भी सारे सेट है, यहाँ पर भी शूट चल रहा है, वो सब दिखा देता हूँ। यहाँ पर शायद है ना, ये मीत सीरियल का शूट चल रहा है जो कि न्यू सीरियल आ रही है। और फिर यहाँ पर भी ये वाले रास्ते में आपने बहुत बार बहुत सारी सीरियल्स वगैरह देखी होगी, तारक मेहता में भी बहुत बार ये वाला रोड दिखाया जाता है। और फिर यहाँ पर आगे की तरफ दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये करोड़पति जो मराठी का आता है वो है यहाँ पर, और ये फिल्म सिटी की कैंटीन है। यहाँ पर ही सब लोग मतलब लंच डिनर करने आते हैं। और फिर यहाँ पर है, यही है कपिल शर्मा शो का सेट। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं। अंदर यहाँ पर देख सकते हो सारी ऑडियंस जो है वो यहाँ पर ही बैठे हैं, और यहाँ पर ये सारे कपिल शर्मा के सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। वाली आप फैंस देख सकते हो जो कि कीकू शारदा लेकर आते हैं शो पर। ये दिखने में आपको साइड से ना बहुत मोटी लगती है, लेकिन है बहुत ज़्यादा पतली ये फैंस। और यहाँ पर इसके यहाँ पर घंटी भी दी गई है, रियल जैसी घंटी है, दिखने में भी रियल जैसी लगती है लेकिन है पूरी फेक, और ये भी थर्मोकॉल की बनाई गई है। ओके सो गाइस, अभी 4:30 हो चुके हैं, कॉल टाइम तो 2 बजे का था ये जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुई है यहाँ पर। ये जो वेटिंग एरिया है हम लोग वहाँ पर ही बैठे हैं और ये चाय इन्जॉय कर रहे हैं अभी तक। तो जो मेन एंट्री है ना सेट की, वो वहीं का ही सेट, तो वहीं से हमें थोड़ी देर में जाना होगा अंदर की तरफ। और फिर फ़ोन भी हमें जमा करना होता है, क्योंकि फ़ोन हमें अलाउड नहीं रहता है, फ़ोन फिर हमें पैकअप के बाद मिलते हैं। तो अभी पैकअप का तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी 4:30 तो इधर ही हो गया है, और अभी तो ये भी आइडिया नहीं है कि कभी वो लोग अंदर बुलाएंगे, फिर अंदर बुलाएंगे तो फिर बाहर तो बहुत लेट होने वाला है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको आगे। और ये शो है ना ऑफर हो गया था करीब फेब्रुआरी में, तो अभी अराउंड 6 महीने के बाद वापस से इसका शूट स्टार्ट हुआ है। शूट तो अभी स्टार्ट हो गया है, आज है 7 अगस्त और 6 महीने के बाद, तो अभी देखते हैं टीवी पर कब तक आता है ये शो। और मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये शो के लिए। और एक्चुअली जो इसका सेट है ना वो भी अंदर से पहले था ना वो नहीं है, अभी उसको चेंजेस किए गए थोड़े बहुत, और सेट पूरा नया बनाया गया है। क्या क्या होता है आगे वो मैं आपको बताता हूँ, और मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। सो गाइस, हम लोग फिल्म सिटी के बाहर तो आ चुके हैं, और मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन कॉल टाइम तो वैसे था 2:00 PM का। फिर हम लोग को अंदर लिया वो लोग ने, जो लॉबी का एरिया था वहाँ पर वो लोग ने करीब 3:30 को हम लोग को बुलाया। फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसमें बहुत टाइम गया, और फिर डायरेक्ट जो सेट रहता है वहाँ पर हम लोग को लेके गए वो लोग 6 बजे। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है यहाँ पर ऐसे शूट पर। और फिर कपिल भाई आए तो उन्होंने अपना वन टेक में दे दिया, वो बहुत सही बात है उनकी, वो कहीं भी ब्रेक नहीं लेते, और जैसे ही आते हैं ना अपना पूरा शूट कर लेते एक टाइम पर, और फिर वो निकल जाते हैं। फिर ऑडियंस भी तभी 7:30 बजे तक हम लोग निकल गए, और फिर मेरे साथ ऋषभ है यहाँ पर और मोहित भी है।
सो कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और सेट की बात करूँ तो सेट भी काफी ज्यादा चेंज कर दिया है, पूरा नया ही बना दिया है। जो कि आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने कुछ बेडरूम जैसा बनाया है, एटीएम वगैरह लगाया है और फिर एक जनरल स्टोर भी बनाई है वो लोग ने, तो वो भी दिखने में बहुत अमेजिंग था अंदर से। क्यों, और एक्चुअली हम लोग फोन तो अंदर ले जाना अलाउड नहीं था इसलिए मैं अंदर ले जा नहीं पाया। तो अभी हम लोग तो दोपहर के टाइम पर आए थे और लेकिन सुबह के टाइम पर है ना अक्षय कुमार सर और वाणी कपूर आई थी, तो वो आप एपिसोड में देख सकते हो। अगर मुझे कहीं स्पॉट करो, हम लोग को स्पॉट करो तो हम लोग को बता जरूर देना। एपिसोड तो मुझे मालूम नहीं है फर्स्ट आएगा या फिर सेकंड आएगा, जो कि बेल बॉटम का प्रमोशन था। बीच में हम लोग ने कपिल सर से मिलने की भी ट्राई की लेकिन वहाँ पर लक रहता है तो ही मिल पाते। तो बस गाइस कैसा लगा आपको भी ये ब्लॉग मुझे भी नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस ये वाला ब्लॉग तो यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। एट दैट टाइम गुड बाय।